हिंदी मूवी बंगाल 1946 के प्रमोशन के लिए फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर समेत कई कलाकार फिरोजाबाद पहुंचे और दर्शकों के बीच बैठकर फिल्म का प्रमोशन किया। इस दौरान मीडिया से भी रूबरू हुए। गुरुवार की दोपहर फिरोजाबाद के डीडी सिनेमा घर में बंगाल 1947 मूवी का प्रमोशन के लिए फिल्म डायरेक्टर आकाशादित्य लामा और फिल्म के हीरो ऋषभ पांडे समेत फिल्म में बिलियन की भूमिका निभाने वाले कलाकार पहुंचे। फिल्म प्रमोशन के दौरान फिर कलाकार की टीम ने दर्शकों के बीच मूवी देखी। जनता से अपील की फिल्म के बारे में जरूर बताएं। फिल्म की स्टोरी 1947 में बंगाल की क्या कहानी थी जिसको लव स्टोरी पर आधारित है, देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। देखिए ये तो हम जो है अपना खुशहाली फाउंडेशन के जो हमारे सोनू सिंह जी है हम उनके बहुत आभारी है कि सोनू सिंह जी को ये तो देश में कई जगह इसका मंचन हो रहा है, स्पेशल मंचन, जनता का तो प्यार मिल ही रहा है क्योंकि हमारा शुरू में प्रचार थोड़ा सा कम हो पाया था, हम उतना प्रचार नहीं कर पाए थे क्योंकि थोड़े से सेंसर में भी फिल्म लेट हो गई और कुछ और भी समस्याएं थी, लेकिन जब अब हम आए हैं और लोगों ने देखा तो लोग तुरंत उसको जो है उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में भी ये फिल्म का प्रचार हो और हमारे फिल्म क्षेत्र में दिखाया जाए, तो हम खुशहाली फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं सोनू सिंह जी उनके बहुत आभारी है, उनको लगा कि और वो चाहते हैं फिरोजाबाद के लिए कुछ अच्छा हो क्योंकि आमतौर पर कई बार फिल्म के कलाकार आ नहीं पाते, तो उनका ये विशेष आग्रह था, मुझे भी बोले कि मुझे भी आना है। हमारे जो फिल्म के लीड एक्टर अंकुर है, तो हमारे निर्माता जी अपने ऋषभ पांडे जी है, अतुल गंगवार जी जो फिल्म में खलनायक है, तो हम लोगों ने जैसे उनका ये न्योता आया तो हम उसे अस्वीकार नहीं कर सके क्योंकि उनका जो स्नेह है उसके कारण हम आए हैं और हम फिरोजपुर की जनता फिरोजाबाद के जनता के साथ बैठ के ये फिल्म देखेंगे और उनकी डायरेक्ट प्रतिक्रिया लेंगे कि उनको कैसी लगी। क्या इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, किसको मोटिवेट करना है या क्या है पूरा? देखिए अगर हम अपने अतीत को जानेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा, अतीत में जो गलतियां हुई है वो दोहरानी नहीं चाहिए। हमारे वहाँ एक हमेशा से बताया गया है कि जो सनातन संस्कृति है वो नारी विरोधी है, वो दलित विरोधी है, वो अल्पसंख्यक विरोधी, इस तरह की एक प्रचार किया गया जबकि ऐसा नहीं है। हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही रिसर्च से हमने ये फिल्म, उनका बड़ा इसमें योगदान है इस उनके रिसर्च का इस फिल्म में, तो वो सब हमने उपयोग किया है कि हम दिखाना चाहते हैं कि भारत कितने सकारात्मक है। ये एक बड़ी पॉजिटिव फिल्म है, अभी तक जितने भी लोगों ने देखा कि ये बहुत सकारात्मक है, हम किसी के विरोध में बात नहीं कर रहे, हम अपनी बड़ी लकीर खींचने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद।